A very fresh morning to all of you students, myself Vaishali Dubey. Once again, a very warm welcome to all of you. Children, in the previous video, I described lesson number 3 of Father's Letter of Class 12 written by William Hazlitt. Today, now we will discuss its exercises, which is on your textbook page number 22 and 23. First one we have to discuss with you. Glossary words meaning of this lesson. First one is indifferent, not very good, bahut sahi nahi. Destination, place to which somebody is going or sent, gantavya sthan. Dust, D-U-R-S-T, dust means chunauti, D-A-R-E, dear, sahas chunauti. Endeavor, E-N-D-E-A-V-O-U-R, to try very hard to do something, prayas ya prayatna. Alter, to become different, parivartan. Spite, a feeling of wanting to hurt or upset, virodh ya isha. Willfulness, to do what you want, manmarji. PQ, aprasannata, annoyance. Despise, to dislike and have no respect for somebody oblique something, means ghana karna kisi vyakti ya vastu se. Dupe, a person who is strict or cheated. Buddhu vyakti se keh sakte hain. Inure, to make somebody abhyast hona. Hitherto, until now, means अब तक. Humoring, agree with somebody's wishes, means संतुष्ट करते हुए. Whims, a sudden wish to do, means चित्त की तरंगे. Fancy, something that you imagine, means कल्पनाएं. It give ears, a way of behaving that shows that somebody thinks that they are more important, means बढ़ चढ़कर बोलना. Thwarted, means रोका. नेक्स्ट, निष्फल किया या रोका. नेक्स्ट, एमिकेबली. अचीव्ड इन अ पोलाइट, पुनर्मिल करना या पुनः मैत्री, सॉरी मित्र भाव से इसे कह सकते हैं. अचीव्ड इन अ पोलाइट. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस टेक्स्टुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट वन, वर्ड पावर. क्वेश्चन नंबर ए, प्रफिक्स डी आई एस डिस आर यू एन अन टू द वर्ब गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म इन द ब्रैकेट प्रूव कॉमा एग्री कॉमा कनेक्ट कॉमा बेल्ड कॉमा लोड. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रफिक्स. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस विथ दिस वर्ड प्रीफिक्स. प्री मीन्स पहले, फिक्स यानी जोड़ना, ऐड करना. सो प्रीफिक्स अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. प्रीफिक्स अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. हिंदी में बात करें, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग. उपसर्ग वह अक्षर या वे शब्द के समूह शब्दांश होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दांश होते हैं. ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको किसी शब्द के आगे जोड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है. ऑन योर स्क्रीन इन द ब्रैकेट फर्स्ट वर्ड इज प्रूव. प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना. यदि हम इसके आगे यू एन अन लगाएं तो वर्ड बनेगा अनप्रूव. अब इसका मीनिंग चेंज हो गया. अनप्रूव मतलब असिद्ध करना. एग्री, ए जी आर डबल ई एग्री मीन्स होता है सहमत. यदि हम इसके आगे डी आई एस डिस लगा दें तो शब्द बना डिस एग्री. असहमत, चेंज हुआ मीनिंग. कनेक्ट, जुड़ा. डी आई एस डिस हो गया डिसकनेक्ट. जुड़ा यानी जुड़ना या डिसकनेक्टेड है.
हटना, टूट जाना। वेल्डेड, अनवेल्ड, यू एन कर लगाते हैं, अनवेल्ड, अनवेल्ड करना मतलब अनावरण करना। लोड यानि चढ़ाना और यू एन लगाया तो अनलोड यानि उतारना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको फिल करेंगे। फर्स्ट वन, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड दैट आई डैश विथ हिज ओपिनियन। अब इसमें हम देखेंगे आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड दैट, मैं मुझे लगभग हमेशा, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फाइंड दैट मुझे लगभग हमेशा लगता है व्हाट आई डैश विथ हिज ओपिनियन। अब यहाँ पर क्या फिल किए हैं हमने, डिसएग्री, एग्री के साथ हमने डिस वर्ड यूज किया, तो डिसएग्री मीन्स असहमत। अब मीनिंग देखिए हमारे सेंटेंस का क्या होगा, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड दैट आई डिसएग्री विथ हिज ओपिनियन मीन्स मुझे लगभग हमेशा लगता है कि मैं उनकी राय से डैश हूँ, डिसएग्री जुड़ा है तो असहमत हूँ। सेंटेंस क्लियर हुआ, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनकी राय से असहमत हूँ। नेक्स्ट, आई एम श्योर ही इज लाइंग बट इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू डैश हिज स्टोरी। अब इससे हिंदी में समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, आई एम श्योर ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है, वह हमेशा झूठ बोल रहा है। बट इट्स गोइंग टू बी हार्ड, परंतु यह सिद्ध करना कठिन है। असिद्ध करना, अनप्रूव करना मतलब सिद्ध करना, और अनप्रूव यानी असिद्ध करना, यह असिद्ध करना क्या है, मुश्किल है। तो इसमें जो वह फेल होगी वो प्रीफिक्स फेल, प्रीफिक्स ऐड हुआ प्रूफ के बिगनिंग में, अनप्रूफ हुआ, तो क्लियर हुआ कि मुझे यकीन है कि वह हमेशा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी कहानी में असिद्ध करना मुश्किल है, अनप्रूफ फेल होगा। आफ्टर अ ब्रीफ स्पीच द क्वीन अनवेल्ड द न्यू स्टैच्यू। अनवेल्ड करना यानी अनवेल्ड मीन्स होता है अनावरण करना, एक छोटे से भाषण के बाद रानी ने नई प्रतिमा का अनावरण किया, स्टैच्यू ने प्रतिमा। इट टुक द मैन एन हार टू डैश अवर थिंग्स फ्रॉम द वैन। लोड मीन्स चढ़ाना, अनलोड मीन्स उतारना। यह आदमी ले गया एक घंटे में हमारा सामान खालिस्तान कर वैन से उतार कर, अनलोड। ओके, हिज फोन वॉज डिसकनेक्टेड बिकॉज ही डिडंट पे हिज लास्ट बिल। क्या इसमें ऐड हुआ, डिसकनेक्टेड, कनेक्ट के आगे हमने लगाया डिस। इसका फोन, उसका फोन काटा गया था क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स कैप सैप्ड सिप सैप्ड सीव मीन टू टेक, सॉरी टी ए के ई होगा यहाँ, टू टेक आर कॉमा सीज सीज। कैन यू मैच द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैविंग द सेम रूट। मीन्स धातु, रूट मीन्स होता है धातु शब्द, मूल, सी ए पी कैप सेप्ट सिप सेप्ट सीव का अर्थ होता है टू टेक कॉमा सीज सीज। क्या तुम निम्न शब्दों को जिनमें यही धातु है उनके अर्थ से जोड़ सकते हो, चलिए कोशिश करते हैं। कंसीव, टू टेक एन आइडिया इनटू वंस माइंड टू अंडरस्टैंड मींस समझने के लिए किसी के दिमाग में एक विचार लाना। नेक्स्ट, कैप्चर, सी ए पी टी यू आर ई, कैप्चर मींस सेजर, सेजर यानि कब्जा, आ सेजर। ओके, आ वर्ड यहाँ पे आगे ऐड होगा। डिसीव, टू टेक अवे फ्रॉम द ट्रूथ, सत्य से दूर या झूठ बोलना जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, टेकिंग आउट लिविंग आउट, को छोड़कर के सिवाय। रिसीव, टू टेक इनटू वंस पोजीशन मींस प्राप्त करना या स्वीकार करना। नेक्स्ट,
कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेशन टू एडवाइज हिज सन. लेखक ने इस समय को ही अपने पुत्र को सलाह देने के लिए क्यों चुना. He chose this occasion because his health was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time. उसने इस समय को इसलिए चुना क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसे भरोसा नहीं था कि वह लंबे समय तक अपने पुत्र के पास रहेगा. Second, what happens if we prejudge pupil and future events? Prejudge pupil and future events means यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्व निर्णय करें, prejudge करें, तो क्या होगा? If we prejudge pupil and future events, we create uncalled enemies and hardships. यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्व निर्णय करें तो अनचाही कठिनाइयां और शत्रु बना लेंगे. Third question. What reason does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates? स्कूल के साथियों को उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है? The father gave two reasons to his son. First, those boys knew as little of his son as he knew of them, so they might have tried to keep aloof and then they had their amusements and pursuits to attend to and so might have had little time to satisfy his whims and fancies. उसके पिता ने अपने पुत्र को दो कारण बताए. पहला, उनको उसके बारे में उतनी ही कम जानकारी थी जितनी उसको उनके बारे में, जिसके कारण हो सकता है वे उससे दूर रहे. सेकेंड, साथ ही उसने अपने मनोरंजन तथा कामकाज थे जिसके कारण हो सकता है उन्हें उसकी सनक और अभिरुचियों के लिए समय नहीं मिला हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिजर्म हॉस्टिलिटी? शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू रिजर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू एंड इवन दे देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एंड as far as possible means शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के बारे में बुरा ना सोचना जब तक कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करें, और तब तक भी जहां तक संभव हो उनके दोषों को अनदेखा करने का प्रयत्न करना. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर? हमें किस बात के लिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए? वी शुड नेवर डिस्पाइस एनी वन फॉर हिज पॉवर्टी. हमें किसी का भी उसकी गरीबी के लिए तिरस्कार नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? खेल के साथी और स्कूल के साथियों में मुख्य अंतर क्या होता है? विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट With schoolmates, you cannot do this. You will have to consider their own needs and will have to adjust with them. Means खेल के साथियों के साथ तुम अपनी मनमानी कर सकते हो क्योंकि वे तुम्हें भरी प्रकार जानते हैं, किंतु स्कूल के साथियों के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते. तुम्हें उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा और उनसे तालमेल करना होगा. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल We are at to see and know. जिन चीज़ों और व्यक्तियों को अभी हमें देखना और जानना है उसके बारे में लेखक के क्या विचार हैं? आंसर, फॉर द राइटर इट इज़ अ गुड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, मीन्स आशा करना एक अच्छा नियम है. वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट थिंग्स आर राइट. सिमिलरली वी शुड नेवर डेवलप प्रिजडाइज अगेंस्ट पीपल. लेखक के अनुसार सबसे अच्छे की आशा करना एक अच्छा नियम है. हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए कि चीज़ें ठीक हैं. इसी प्रकार हमें व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए. वॉट अकॉर्डिंग टू ऑथर डस कंटेम्प्ट इम्प्लाय?
लेखक के अनुसार तिरस्कार किस चीज का संकेत है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ थ्रम ओवर एंड प्लेजर इन द फेलिंग एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। मीन्स लेखक के अनुसार तिरस्कार संकेत देता है दूसरों की असफलताओं और दुर्भाग्य पर जीत या सुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल? घर के जीवन और स्कूल के जीवन में क्या अंतर है? At home, you can have your own way. The members of the family will indulge your whims and fancies. But in school, you cannot do it. You will have to accommodate to people having their own whims and fancies. Means, घर में तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, परिवार के सदस्य तुम्हारी सनक और अभिरुचियों को आश्रय देंगे, किंतु स्कूल में तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां जिन लोगों के बीच तुम हो उनकी स्वयं की सनक और अभिरुचियां होंगी जिन्हें वे पूरा करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी आर अ ट्रू विजडम। समझाइए, असली बराबरी ही असली नैतिकता या असली बुद्धिमानी है। ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल सो दैट देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी No conflicts in society resulting in peace and prosperity and according to true morality why should there be discrimination based on wealth and status when everybody is born equal thus it can be said that true equality is the only true morality and true wisdom असली बुद्धिमानी का तकाजा है सभी को बराबर माना जाए जिससे समाज में संघर्ष की स्थिति निर्मित ना हो परिणाम हो शांति समृद्धि और असली नैतिकता के अनुसार जब सब बराबर पैदा होते हैं तो बाद में उनकी दौलत और पद के आधार पर भेदभाव क्यों इसलिए कहा जा सकता है असली बराबरी ही असली नैतिकता या बुद्धिमानी है। हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल का जीवन बालक को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए कैसे तैयार करता है? इन द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर एट बेस्ट वन अमंग्स इक्वल्स and so will have to face lots of problems and difficulties and to adjust yourself accordingly. In the school, you come across a similar situation though on a smaller scale and so it prepares you for life. बाहरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी बराबरी वालों के बीच होते हो और तुम्हें ढेर सारी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। यही स्थिति स्कूल में भी होती है हालांकि कम अनुपात में और इसीलिए वह तुम्हें भविष्य के जीवन के लिए तैयार करती है। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।